इस बार विक्रम पेड़ तक नहीं आया। बेताल के पेट में खलबली मची थी। विक्रम का इंतजार करते करते बेताल ने भरी एक उड़ान और क्या देखा कि विक्रम रेल भवन के सामने लगे इंजन के पास बैठा है और कुछ ताक रहा है। बेताल रेल की सीटी बजाते हुए धम्म से कूदा। विक्रम चौंक गया। क्या हुआ राजा बाबू, आज पेड़ पर नहीं आए? यार बेताल, तूने रेलवे के बारे में नहीं बताया, इसका भी एक बजट होता था कभी ना। मैं एक पुराने अखबार में देख रहा था। था तो भाई बड़ा एक भारी भरकम कामकाज रेलवे का। अरे तो कहाँ चला गया बजट, क्यों बंद हो गया? रेलवे तो चल रही है। चलो मैं ये भी बताता हूँ, ये भी किस्सा क्यों ही रह जाए। हाँ बेताल, तू तो जाता था रेल बजट सुनने ना। भारतीय रेल इतना विशालकाय संस्थान है कि उसके लिए सरकार अभी तक एक अलग से बजट लाती थी। फिर क्या वही पुरानी कहानी, हमेशा घाटा, माल भाड़ा और किराए पर सब्सिडी लेकिन सेवा बुरी तरह खराब। बेताल, पर अपनी रेलवे तो दुनिया में सबसे बड़ी है। कितना सारा कोयला, अनाज, सीमेंट, फर्टिलाइजर ढोती है, लोगों को सस्ती यात्रा कराती है। अरे इतना कारोबार किसके पास है पूरी दुनिया में? क्या कारोबार, घाटा ही घाटा। अर्थव्यवस्था में जब मांग बढ़ी तो सड़क से ज्यादा माल जाने लगा और रेलवे के हाथ क्या रह गया, वही मोटी सामानों की ढुलाई जिस पर भाड़ा भी कम मिलता है। अरे तो इतने यात्री भी तो चलते हैं, टिकट नहीं मिलती, इतनी मांग है, फिर कमाई क्यों नहीं है? अरे महंगे दर्जे वाले चलने लगे हवाई जहाज और अपनी कारों से, सस्ते दर्जे में किराया बढ़ाना असंभव, ये धंधा भी नुकसान का ही है। तो फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, रेलवे की माली हालत बिगड़ती गई, खर्चे बेतहाशा, कमाई ठनठन गोपाल। अरे लेकिन बजट क्यों बंद हो गया बेताल? सरकार को लगा रेल बजट आम बजट में मिलाकर शायद कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, इसलिए 2017 से सरकार ने इसे आम बजट के साथ ही पेश करना शुरू कर दिया। तो बजट से पैसा मिला होगा ना रेलवे को? तो 21-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने, पटरियां बिछाने, नई ट्रेनें चलाने और कर्मचारियों की सैलरी पेंशन के लिए हैं। अरे दद्दा ये बताओ कि रेलवे का बजट आम बजट में घुस गया तो इससे किराया क्यों बढ़ गया कि ट्रेन के टिकट इतने महंगे हो गए? रेलवे को बड़ा घाटा है भाई, 100 रुपए कमाती है, 99 खर्च करती है, कोई बचत नहीं, इसलिए बड़े किराए। अरे लेकिन बेताल, तू तो ये कह रहा था कि रेलवे की सेवा ठीक नहीं, इसलिए जो लोग महंगे दर्जे की सवारी करते थे वो हवाई जहाज से चलने लगे। ठीक सुना तुमने राजा, ऐसा ही हुआ है। रेल के सफर में सुविधाएं नहीं हैं, फिर किराया बढ़ाने से सवारियां तो और बितक जाएंगी, तो फिर कैसे चलेगा धंधा? यार तू कितने उल्टे सवाल पूछता है, जा रेल मंत्री से पूछ। मैं चला।